हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ओबीसी मोर्चा के सर्व समाज समरसता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, गुरुग्राम से तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया तो कई घोषणा भी उन्होंने की। ओबीसी मोर्चा की तरफ से समाज कल्याण के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने कई मांगे रखी गई, जिन्हें सीएम ने मानते हुए जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया। सम्मेलन में मौजूद लोगों को सीएम ने संबोधित भी किया, कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी का सम्मान किया है, केंद्र में ओबीसी आयोग बनवाया है, मेडिकल क्षेत्र में ओबीसी के लिए 27% सीटें मौजूद हैं, ऐसी कई योजनाएं हैं जिसका डायरेक्ट तौर पर ओबीसी वर्ग को फायदा मिलेगा। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया, कहा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ की दुकान चलाई, इस बार उनकी झूठ की दुकान का सामान बिकने नहीं दिया जाएगा। आज रोहतक में हमने जो हमारे हरियाणा से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 हमारे सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया है, हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त किया है और सभी मंत्रियों का और प्रभारी महोदया का हमने वहां पर स्वागत भी किया है और हमारे सांसदों का भी हमने सम्मान किया है और उसके साथ साथ हमने आदरणीय प्रभारी जी ने एक हम सब को दिशा दी है। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस जिस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, उस झूठ को हम आगे बिकने नहीं देंगे। कांग्रेस की दुकान में झूठ का ही सामान है, उनके पास कोई और सामान नहीं है और उसको हम बिकने नहीं देंगे। तीसरी बार हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ओबीसी मोर्चा द्वारा यह कार्यक्रम लिया गया था और जिसके अंदर हम सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के बहुत बढ़िया तरीके से इस भव्य कार्यक्रम में भाग लिया और सब लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया जिससे जितना बन पड़ा और ये बहुत ही बढ़िया भव्य कार्यक्रम होकर के संपन्न हुआ और माननीय सीएम साहब आए, हमारे लिए बहुत बड़े, हमारे मेरे वार्ड के लिए, मेरे लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि वो साहब हमारे यहाँ पे।